ميلاد ميرا ميلاد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم

हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के का प्यारा सा फरमान है तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है प्यारे बच्चों और किड्स चैनल के नीन अलहमद एक बार फिर आपके लिए प्यारा सा प्रोग्राम आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिस प्रोग्राम का नाम है, है प्रोग्राम है मेरा जी हाँ मेरा प्यार दिन प्रोग्राम में हम आप तमाम बच्चों को और किड्स मदरनी चैनल के नाचीन को वेलकम कहते हैं इन भी हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारे सेगमेंट होंगे इन्फॉर्मेटिव सैगमेंट्स होंगे दीन की प्यारी प्यारी बातें भी होंगी हमारा सैगमेंट होता है इस्लाम और साइंस हम एक प्यारी सियादी सपाक भी याद करेंगे प्यारे आकाबा की सुनतें भी सुनेंगे और इस्लामिक हिस्ट्री भी सुनेंगे तो इनशाला आज भी हमारे बहुत सारे सेगमेंट होंगे इंफॉर्मेटिव सेगमेंट होंगे आपने आखिर तक हमारे साथ रहना है इन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज हमारे साथ प्रोग्राम में आकिब भाई मौजूद है हमारे साथ प्रोग्राम में आज हम इन हम इनसे कलाम सुनेंगे तो ये प्यारे बच्चों और किड्स मदन चैनल के नाजीन बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में पहला सेगमेंट शामिल करते हैं सेगमेंट है कलाम मेरा प्यारा दी जी हां प्यारे बच्चों ऑर्किड्स मदन शर्मा के नाम सेगमेंट है कलाम और कलाम सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आकिब भाई कैसे हैं आकिब भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आला कुल आज आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे वाह क्या जूद और करम है शह बता तेरा माशा अल्लाह अल हजरत का बहुत ही खूबसूरत कलाम वाह क्या जूद करम है शह बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा ये कलाम अक्सर बच्चों को आता भी है कुछ को नहीं भी आता तो जिनको आता है मिलकर पढ़ें और जिनको नहीं आता तवज्जो के साथ सुने जी आ, क्या

आखिरी नबी माशा के भाई ने कलाम सुनाया ला पाक मजीद बरकत बर्क, आता फरमाए तो इसी कलाम के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट है एक प्यारी हदीस मेरा प्यारे बच्चों और किड्स मदन के की सेगमेंट है एक प्यारी हदीस और एक प्यारी हदीस में हम एक प्यारी सी याद करते हैं। हम अपने आकाशीम कीबारक को याद करते हैं जी प्यारे प्यारे बच्चों हमारा शुरू हो चुका है हम लोग यहाँ पर हैं पर शायद हमारे दिमाग कहीं और क्योंकि मैंने पूछा है हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है तो सेगमेंट कौन सा है एक और अभी आपने क्या कहा था <स्यादिश> प्रोग्राम है मेरा प्यार और सेगमेंट है सेगमेंट है प्रोग्राम है सेगमेंट प्रोग्राम जी तो हमने तवज्जो के साथ प्रोग्राम में शामिल रहना है इंशाल्लाह बहुत सारी जबरदस्त सी चीज़ें हम इस प्रोग्राम के जरिए सीखते हैं कलाम हमने सुन लिया है हदीस पाक हम याद करेंगे देखते हैं कौन जल्दी से याद करता है कौन याद करेगा जल्दी से और कौन याद नहीं करेगा देख लेते हैं भाई अभी पता चल जाएगा याद भी करना है और उस पर फिर अमल भी करना है ठीक है इसलिए अदीस पाक याद कराई जाती है और जो घर पर बच्चे वो समझे कि प्रोग्राम आपके घर पर आ गया है तो आ तो गया है मदनी चैनल के ज़रिए तो आप प्रोग्राम में आ जाए और ऐसे बैठ जाए जैसे आप प्रोग्राम में शामिल हैं और हमारे साथ मिलकर इस अदीसी पाक को याद करें और जब याद हो जाए तो किसे सुनाएं आपस में एक दूसरे को सुनाने अब्बू को सुना दें अम्मी को सुना दें कि मैंने अदीस पाक याद कर ली है तो आज देखते हैं स्क्रीन पर कौन सी हदीस पाक है जी और जो घरों पर हैं इसकी तस्वीर ले लें और आपने हमें अच्छा अच्छा लिख कर ये भेजना है बड़ा बड़ा आवाज़ें खूबसूरत और हदीस कल रसूल सल्ला तसल् कमा तदीन तुदान यानी तुम जैसा करोगे वैसा भरो भरोगे ये एक मुहावरे के तौर पे भी यूज होता है ना जैसा करोगे वैसा भरो भरो भरोगे या जैसी करनी वैसी भरनी भरनी सुना है ना तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे भरेंगे, भरेंगे। क्या मतलब वैसा भरेंगे हमारे जो है हमारे साथ मौजूद हैं नाम क्या थे नाम हमारे हसीव। अब्दुल भरे अब्दुल हसीब अब्दुल हसीब और अब्दुल मुजीब हाँ यूं याद है मुझे अब्दुल हसीब और अब्दुल मुजीब भाई बताएंगे आपके आज वो कहाँ गए ग्लासेस क्लासेस छोड़ दिए लगाना सही हो गई आइज़ फिर माइक में माइक में इनके नज़र के नीचे फिर किस चीज़ के थे शौक के थे जी। बड़े भाई लगा रहे हैं इसलिए मैं भी लगाऊंगा आपके नज़र के है ना आई साइड के तो वो आपके रेस में लगा रहे थे कि बड़े भाई ने लगाए तो मैंने भी लगाने हैं ये क्या मैं ऐसा ना हो अल्लाह पाक सलामत रखे आपके आयज़ पता चल रहा है लगा लगा के कमज़ोरी हो जाए तो अब समझ में आ गई अब्दुल मुजीब भाई को अब नहीं लगाने हैं ये बड़ा होता है भाई हैं बड़े भाई ने ये क्या मैंने भी करना है तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना भाई चले अभी ये बताएं, ये भरनी क्या है भरोगे भरना क्या भरना मतलब बताएं कुछ बता दें उनसे पूछा है आपसे छोटे भाई से आप तो कुछ ना कुछ बता ही देंगे <laughs> जी वो देखें बड़े भाई बता रहे हैं इसमें रेस करनी चाहिए ना बड़े भाई बता रहे हैं तो छोटे भाई को बताना चाहिए चले भाई ये हमारे जो है वो भाई बताने को तैयार नहीं लेकिन आपसे नहीं पूछेंगे तो पूछेंगे अब्दुल हसीब भाई से जी कि हम जिसके साथ जैसा करेंगे तो हम भी वैसा ही भरेंगे भरेंगे क्या पानी भरेंगे हमारे साथ भी वैसा ही हाँ हमारे साथ भी वैसा, वैसा, वैसा ही होगा जो किसी के लिए गड़ाख खोदता है फिर खुद भी हाँ उसमें गिर जाता है वो वाले में नहीं गिरेगा तो किसी और घड़े में गिर जाएगा तो दूसरों के लिए हमें बुरा नहीं करना चाहिए नहीं सोचना चाहिए आज कोई बैठ रहा है बैठते उसके पीछे चेयर है हमने इधर कर दी और वो गिरी जमीन पे तो आपने शरारत करी मज़ा बड़ा आया आपको लेकिन उसके चोट लगी तो कल को कोई और भी क्लास में देख रहा होगा अच्छा इसने ये किया है अब फिर आइंदा कभी आप आए आगे बैठने लगे और पीछे से फिर आप खुद तो हमने पहले शुरू किया ना ना हम पहले शुरू करते ना हमारे साथ होता और अगर किसी ने किया है तो हमें किसी और के साथ नहीं करना चाहिए ठीक है बाकी ये कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, भरेंगे।, भरेंगे। ये नहीं कि ठीक है जी इसने उसको मुक्का मारा था मैं, मैं भी दो ताँत तोड़ ही दूं इसके इसके बराबर कर दूं हिसाब तो ये हमने अपने तरफ से नहीं करना लेकिन ऑटोमेटिकली फिर हो जाता है तो हमें ऐसी हरकतें करनी ही नहीं चाहिए आइए याद कर दे से पाक कमात 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 तुदान कौन <सथा> <गौत दीनू तुदान। सथा> <गौत दीनू तुदान। सथा> सुनाएगा दो हाथ उठ गए एक अब्दुल हसीब भाई का और हमारे अब्दुल रहमान माइक में अब्दुल रहमान अब्दुल रहमान भाई का और हमारे नातखा भाई ने भी हाथ उठा लिया है पर अभी इन छोटे बच्चों में करने देना मुकाबला

कमा तदान कमा तुदान। 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 हाँ जी और हमारे क्या नाम था आपका भाई सुनाए आंखें बंद करने को थोड़ी कहा था सुनाने को कहा सोच में पड़ गए कमा कमाल कमा तदान सुदान इतना डर क्यों रहा है मेरा बच्चा यहाँ आपको कौन डरा रहा कोई ऐसे ऐसे कर रहा हो कोई नहीं ना तो रिलैक्स हो जाए थोड़ी देर के लिए तो ऐसे हाथ के कर बैठे में डर के थोड़े रिलैक्स बैठ जाए सांस ले लंबी लंबी सी हाँ यूं अभी थोड़ा सही हुआ है कमा बोले कमा तो दान जबरदस्त देखें सब कह कहते सुभान अल्लाह सुभान ये देखें आप रिलैक्स हुए सांस ली लंबी सी थोड़े हाथ छोड़ के यूं बैठे हो गया ना अभी ऐसे डरते रहते तो फिर और डरते रहते तो ना क्लास में ऐसे डरा करें ना कहीं और ये बहुत सारे बच्चों के लिए पेपर है अब पेपर्स होते हाथ ठंडे ऐसे हो रहा था क्या होगा क्या होगा तो ये करते करते ना फिर पेपर में भी कुछ है? नहीं लिख सकेंगे रिलैक्स हो जाए फांसी थोड़ी दे देंगे कुछ अगर नंबर कम भी आए कतल कुँ कर देते हैं करते हैं कुछ भी नहीं होता तो जितना आप रिलैक्स हो जाएंगे उतना अच्छा फिर आपका पेपर भी होने लगेगा उतना अच्छा आपका टेस्ट होगा उतना अच्छा आप सुना सकेंगे और जब यूं यूं यू उंगलियों को करते रहेंगे कैसे अब्दुल मुजीब भाई ऐसे 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 वो क्या होगा क्या होगा तो फिर फिर तो कुछ और ही हो जाएगा ठीक है ज़बरदस्त ये मुस्कुरा रहे ना ऐसे मुस्कुराते रहें जी क्या बताने वाले तर्जुमा सुनाएंगे चलें सुनाए भरोगे तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे अच्छा कभी कभी आप जब कहते हैं ना कला तो काला की जगह लगता है कॉला तो कोला नहीं है बल्कि काला है काफ मोटा होगा लेकिन बाजू तो मोटा होने के बजाय कुछ और भी हो जाता है तो और दुरूद जब पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल सही सही पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वली वसलम जी तो कमात दीनू तुदान। तुदान। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे तो क्या क्या होता है चले भाई अब इस पर यहाँ तो सुना तो दिया है इसमें ज़हीन बच्चा भी बनाना होता है तो किसे बनाएंगे हम जहीन बच्चा सवाल कर लें पहले सवाल करके निकालें हैं क्योंकि हमारे अब्दुलरहमान भाई और अब्दुल हसीब भाई के अंदर मुकाबला सख्त है दोनों ने अच्छे अंदाज से सुनाया है जी तो क्या क्या होता है तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे बच्चे क्या क्या कर रहे होते हैं कैसे तंग करते हैं या फिर नतीजा कैसा निकलता है कुछ जी मुकाबला करना है आपने मिसाले देनी है जी मतलब कि जैसे माइक के, के, के... बगैर मतलब कैसे पता चलेगा मतलब कि जैसे किसी को चूंटी पहन ली चूटी पहन ली पहन ली काट ली हाँ चूटी काटेंगे ना चूटी काट ली फिर तो वे दूसरा भी ऐसा करेगा दूसरा भी ऐसा करेगा <laughs> तो हमें करना चाहिए को। हमें काट ले तो हम कहते जैसा करोगे वैसा भरोगे मैं भी काटूंगा ये करना है नहीं क्यों उसको बदला नहीं मिलना चाहिए जी अब्दुलरहमान भाई उसने चूटी काट ली फिर क्या करें हम चूटा काटें जल्दी बताए ना वो और ना फिर वो जीत जाएंगे आगे अभी अभी जानत का ऐसे पता चलेगा ना कौन ज्यादा अच्छा बोलता है जी क्या करें सोच रहे हैं मुक्का मारना है क्या मारना है चूटी काटी उसने मुस्कुरा रहे हैं फिर देखें मैं इधर चला जाऊंगा फिर ये जीत जाएंगे कुछ तो बोले टूटी काटी है उसने अभी क्या करना है वो देखे छोटे भाई बोले जी क्या करना है हमें नहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए टूटी नहीं काटनी तो उसने जो काटी है उसका क्या करें उसका इलाज नहीं करें फिर छोड़ दें ऐसे बगैर इलाज के छोड़ दें जी क्या करें छोड़ दें फिर दोबारा काटेगा वो फिर क्या हो जी फिर छोड़ दें फिर तीसरी बार फिर छोड़ दें फिर छोड़ दें क्या बात है तो हम अपनी सीट बदल लें वैसे कोई है हमें बार बार कोई तंग करता है दूसरी तरफ चले जाएं लड़ाई भिड़ाई अच्छी बात नहीं, नहीं है।, है और जैसे मैंने बताया कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे फिर उसको खुद मिल जाएगा सबक हम ये नहीं कि उसने हमें क्यों किया है तो हम बदला लें कि ठीक है जी तुमने काटी है तो अब तो हमें दो काट के जाता हूँ मैं तुम्हें तो ऐसा नहीं करना आपको अगर कोई तंग करता रहता है आप कोई दूसरी जगह चले जाएँ बड़ों को बताएं तो लड़ने भिड़ने से काम नहीं बनेगा कुछ आ रहा है जहन में जी आप किसी ने आपको मारा हाँ तो आपको उसको नहीं मारना आपको उसको नहीं मारना ठीक है जी ये भी हमने करना है और ये याद रखें कि अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे तो कल को फिर हमें कोई ऐसा मिल सकता है शेर को सवा शेर कहते हैं ना कि आज हमने किसी के साथ तंग किया किसी को कुछ किया तो कल कला को हमारे साथ भी ऐसा

नहीं होता फैजान दावत इस्लामी जारी रहेगा इन शह लिखने वाले हैं मोहम्मद अहमद कहाँ से हैं ये येट किट से हैं माशा एक प्यारी हदीस उन्होंने लिख कर भेजी है अच्छा है, हार्ट वगैरह भी बनाए हैं अल्लाह ने खुश रखे इनका दिल मोहब्बत रसूल से आबाद रहे माशा जी नेक्स्ट एक प्यारी हदीस अब फूल बूटे वगैरह तो नजर आ रहे हैं लेकिन अंदर लिखा क्या है वो थोड़ा छोटा हो गया है उलमा वरासतुल अंबिया तर्जमा उलमा अंबिया के वारिस हैं है। बिनते फारूक हैं कराची से माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी डिजाइनिंग है थोड़ी सी हदीस पाक और बड़ा कर लेते ये बोर्ड जो बनाया है इसको और बड़ा हो जाता ठीक है जी माशाल्लाह नेक्स्ट हम्म प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन एक प्यारी हदीस हदीस खैरनासी मईस तर्जमा लोगों में अच्छा वो है जो लोगों को नफ़ा दे नाम है मोहम्मद अहमद अतारी और शहर है रहीम यार खान माशा जबरदस्त नेक्स्ट जी इन नीत आ बेशमाल दारो मदार नीयतों पर नीयतों पर है नीम है, है दिबा सुल्तान फ्राम लाहौर माशा मोहम्मद ला। ला ला वसलम सैड असलातु अहमादुद्दीन नमाज दीन का सुतून है और मरियम नूर अत्तारिया हैं कहाँ से बहावल नगर बहावल नगर से और बनाया क्या है ये क्या पर बनाया हुआ कबूतर का जी है? और साथ में क्या है ये मेरा ख़्याल है पुराना कलम है पेन होता था ऐसे पुराने ज़माने में देख रहे हैं अब्दुलमुजीब भाई ये अभी तो कितना अच्छे अच्छे हमारे पास पेन होते ना अच्छे अच्छे पेंसिल्स होती हैं और पेंसिल वाले बच्चों को पेन चाहिए होता है और पेन वालों को महंगा वाला पेन चाहिए होता पहले ऐसे होते थे पेन ये देखें ये कोई परवर है ये किसी चीज़ का और उसको ऐसे ही इंक में डालते थे और फिर यूँ यूँ लिखते थे फिर इंक में डालते तो उसमें इंक भरते भी नहीं थे भरने की जगह ही नहीं है ना पर में कहाँ भरेंगे देख रहे हैं आप और अभी ज़रा सी पेंसिल पुरानी हो मुझे नई चाहिए ये वाली चाहिए यूँ चाहिए हो रहा होता है तो देखिए पहले ऐसी ऐसी पेंसिल्स होती थी पेन होते थे जी नेक्स्ट हदीस फरमान मुस्तफ़ा सल्ला तसलम तलाबा इल्म हासिल करना पर्णे। पर्णे। है और फिर ये मरियम नूरतारियाँ हैं बहावल नगर से बहुत खूबसूरत माशाल्लाह इन्होंने डिज़ाइनिंग की है जी नेक्स्ट एक प्यारी हदीस फरमाने आखरी ने भी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं हैं है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती हर सहाबीए नबी जन्नती जन्नती सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती माशाल्लाह माशाल्लाह जी और हदीस हैं जी हैं भाई तो देख लेते फिर जल्दी से माशाल्लाह ये हिनात तारिया चिश्तिया शरीफ से थीं माशाल्लाह जी नेक्स्ट मेरा प्यारा दीन एक प्यारी हदीस रसुल्ला इबादा दुआ इबादत का मज़ है, है दुआ इबादत का मज़ मज़ है, है।, है, है। माशा ने शादाबाद रखे जी नेक्स्ट फरमाने आखिरी नबी सल्हु वसलम अक्रीमा की इज्जत करो बिनते मोहम्मद अरशद तारिया है शाहजहानिया से और इन्होंने क्या बनाया ये साथ अब्दुल मुजीब भाई बता रहे हैं क्या है बेड 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 जी बेड़। बेड़ बोलने। क्या बनाया बनाया अरे बेड क्यों बनाएंगे कोई लेट ना सोने के लिए बनाया देखे दोबारा से दिखाया भाई हमारे अब्दुल मुजीब भाई को बेड नजर आ रहा है यहाँ तकिया वक्की लगे हुए सोने के ये बेड नहीं है ये अच्छी वाली वो कुर्सी बनाई है ऐसे आपने देखा फजान मदीना का जो दारुल हदीस है उसमें मुफ्ती साहब बैठ कर जहाँ पढ़ाते हैं शेखुलहदीस साहब जो होते हैं उस्ताजुल उतादुलदीज़ साहब तो उनका ऐसी होती है चेयर वग़ैरह ना ऐसे आगे टेबल होती है बड़ी सी जब आप बढ़ेंगे ना बनेंगे बनेंगे अल्लाह आलिम बनेंगे फिर और आगे बढ़ेंगे तो क्या पता एक वक्त आया हमारे अब्दुल मुजीब भाई ख़ुद जो है उस्ताजुल हदीस हो ए बच्चों को बैठ कर बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हो तो ऐसे उनकी चेयर है ये ठीक है जी नेक्स्ट फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु सल्ह वसलम तहादू तहाबू एक दूसरे को तोहफ़ा दो आपस में मोहब्बत बढ़ेगी माशा और तोहफे भी बनाए हैं तोहफों में क्या है अंदर पता, पता नहीं बिंदे मोहम्मद अरशद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आदा मुस्लिम फकद आदानी जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने तकलीफ दी ये हैं बिन्ते मोहम्मद उमर अतारिया माशाला लाहौर से हैं ये जी नेक्स्ट क़र रसूल सल्हसिल मस्जिदरी मस्जिद मेंसना क़बर में अंधेरा लाता है ये हैं सैदा हरीम जहरा और सैदा असरा फातमा कहाँ से हैं ये डेरा गाजी खान से माशा जी नेक्स्ट माँ नक्कसम सदा का दिन सदा का देने से माल कम नहीं होता फातिमा तारीफ राम मिन्बाद से माशाल्लाह बड़े बड़े फूल भी इन्होंने बनाए हैं ज़बरदस्त चले जी तो अदीस माशाल्लाह बहुत सारी हमने प्रोग्राम में शामिल किए हैं जिन बच्चों ने बच्चियों ने अदीस लिख कर भेजी अल्ला पाकि दीनों दुनिया की बरकत अता फरमाए निक्यो बड़ी तवील जिंदगी अता फरमाए और आप क्या शामिल करते हैं हम डे कौन सी पिक्चर है जो सबसे अच्छी है जी जी तो ये है पिक्चर ऑफ अत्तारिया ने लाहौर से हमें भेजी है बहुत बहुत इन्हें मुबारक हो लपाकि ने दीन दुनिया की फरमाए और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ अब अगला सेगमेंट कौन सा होगा साथ इस्लाम और साइंस देख लेते भाई इस्लाम और साइंस है हमारे सफी भाई सेगमेंट लाते हैं चेंज होता रहता है कभी साबा होता है कभी दीन की बात। बातें होता है जी तो चलेंगे, तो चलेंगे आप नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मेरा मेरा प्यारा प्यारा जी तो हमारा सेगमेंट कौन सा आ गया है दीन की प्यारी बात दीन की प्यारी बातें सेगमेंट आ गया है और दीन की प्यारी बातों में आज आप क्या <क्ष्ष>? बताने वाले दिखाएं जरा आपका स्क्रिप्ट देखें हम अच्छा भाई दीन की प्यारी बातों में है ये ठीक है जी चले ये आप लें आज हम फिर एक काम करेंगे आपने ये जो दीन की प्यारी बातों में आप बताने वाले हैं ना ये आपने पहले इशारे में बताना है इनको फिर इसमें से देखते कौन पिक करता है कि ये क्या बताने वाले हैं जी अब्दुल मुजीब भाई अब्दुल अब्दुलसीफ़ भाई अब्दुलरमान और रैन भाई इशारे तो चेक करेंगे तो कोशिश करेंगे ना और जब तक आप इशारे सोचें हम थोड़ा सा एक कलाम भी शामिल करते हैं हमारे मोहम्मद आकिब भाई मौजूद हैं इन दो चार अशार सुनते हैं और उसके बाद फिर आप जब तक इशारे सोच लिएगा फिर इन इनकी तरफ़ आएंगे जी माइक दे दिएगा सीधे हाथ से काश तसवुर में मदीने दीने की, की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल, दिल बसी में बसी हो, हो। काश तस्वर तस्वर समझते हैं क्या होता है भाई तस्वूर क्या होता है तस्वूर नहीं पता अब्दुलरहमान भाई तस्वुर कोई तस्वर नहीं है तस्वुर का जी अब्दुल हसीब भाई क्या होता है तसव आप जब ये शेर पढ़ रहे हैं काश तसवर में मदीने की गली हो तो इससे आप क्या समझ रहे हैं क्या मतलब कुछ समझ रहे हैं क्या समझ रहे हैं चले दिल, है? दिल में मदीने की गली हो माइक माइक कहाँ है माइक के बग़ैर कैसे होगा जी यानी के दिल में मदीने की गली अच्छा और आप क्या समझ रहे हैं भाई अब्दुल मुजीब भाई आपके क्या आ रहा है ये शेर सुन के लफ्ज़ सुन के कुछ आ रहा है जहन में कुछ नहीं आ रहा भाई ये पढ़ रहे हैं हम सुन रहे हैं ज़बरदस्त जी आपके कोई सुनते हैं तो कुछ सोचते हैं ना ये पढ़ क्या रहे हैं तो आप जब सुन रहे थे तो जहन में क्या आता है ये क्या कह रहे हैं कुछ कुछ भी नहीं बस ये पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं जी रैयान भाई माशाल्लाह इधर उधर देखना शुरू कर दिया उन्होंने सफ़ी अल्लाह भाई कुछ कहना चाह रहे हैं ये देख ले भाई बड़ों के लिए भी सीखने के लिए मिलता है कि बच्चों के सामने आप मर्जी से कुछ बोलते रहते हैं बाज़त बच्चे यूँ देखते रहते होंगे आपको लग रहा है इन्हें बड़ा समझ में आ रहा है और पता चल रहा है कुछ भी पता नहीं चला तो ये टीचर्स के लिए भी है बड़ों के लिए भी है कि अब देखें ना मैंने पूछ के देख लिया अब अगर ये शर्मा उजूरी में कुछ बोल लेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा तो अलग बात है लेकिन ऐसा होता है कि बच्चों के सामने पूरी बात हो जाती है और उन्हें पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता बोलते समझ में नहीं आई तो उन्हें वाकई नहीं आई थी समझ में चले भाई आपकी क्या आई तस्वर के ख्याल हम्म तस्वुर मतलब ख्याल ठीक है तस्वुर एक आसान करके कि तस्वुर में हम तो हमारे पास ये हो हमारे पास ऐसी गाड़ी हो ऐसे टॉयज हो सोचते हैं ख्यालत में यहाँ बैठे हुए होते हैं और ख्याल कहाँ होते हैं इधर उधर घूम रहे होते हैं तो ये होता है ना ख्याल तो समझ गए ख़्यालत में सोच रहे होते हैं काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो ये होता है ख़्याल तो यहाँ क्या हो रहा है कि काश तस्वुर में मदीने की गली हो किसी के तस्वुर में होता है यहाँ घूमने जाएँ यहाँ घूमने जाएँ ये वाले टॉयज़ हों ये वाली चीज़ें हों मेरे पास और यहाँ मेरी सुन्नत क्या बता रहे हैं कि हमारे तस्वुर में क्या हो हमारे ख़्यालत में क्या हो मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे ने दिल ने में बसी हो यानी आका सल्लल्लाहु अल्लाह ताली वसलम की याद आपका ख्याल मेरे दिल में हो आकाश ऐसा हो जाए तो ऐसे ही हमारे ख्याल होंगे पकीज़ा साफ सुथरे तो इन शदीना मदीना हो जाएगा और हम आ रहे हैं सफ़ी भाई के पास और सफ़ी भाई का भी इम्तिहान है और आपका भी इम्तिहान है तैयार हैं यस अच्छा भाई अब ये इशारों में आपको कुछ बताएंगे आपने बताना है कि ये क्या बता रहे हैं किस चीज़ का इशारा कर रहे हैं और आपने अब अच्छे से इशारे करने ठीक है जी मुश्किल है मुश्किल है कोशिश तो करें बात तो मुश्किल लिखी है बात तो मुश्किल लिखी हुई अभी देखे इधर इनको बुलाते इधर आए भाई अब्दुल हसीब भाई आप इधर आए हाँ ये दिखाएं ज़रा मुझे हाँ इधर 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 आ जाए ठीक है जी पढ़ लिया ये ठीक है क्या है कान में बताएं मेरे हाँ अब इसको इशारों में बताएं आप ये ये इशारे करेंगे और आपने गैस करना है कि ये क्या इशारा कर रहे हैं ठीक है जी चले इशारा किसे बताएं को कुछ तो करें इशारा भाई देखे ये हो गया ना हाँ वैसे करें इशारा ये मुँह से नहीं बोलना हाँ जल्दी इशारा ठीक है और अब उसका करें कुछ थोड़ा बहुत क्या ये इससे क्या समझे आप ये जो यूं कर रहे हैं कुछ समझे ऊपर यूं 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 यू थोड़ी कर रहे यूं कर रहे जी हाँ देखें पहुंच गया ना वो और अब क्या है अब थोड़ा यूं 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 कुछ कर लें दूसरे काम के लिए कैसे करते हैं भाई ये तो बड़ी मुश्किल फंस गई चले आप बैठे अपनी जगह अच्छा जी चले मैं करता हूँ ठीक है ये तो समझ गए आप लोग ठीक है इसके बाद क्या कराइए मैंने बड़े तो सही था आपका जी ये और फिर यूँ सलाम।, सलाम और क्या करे उनका जवाब दें जवाब देना अदब क्या है अदब रुहान अल्लाह बड़ों का अदब अदब, अदब, करना।, अदब करना उनका एहतराम करना ये बता रहे थे देखे हो गया थोड़ा मुश्किल था वैसे बात सही है आपकी <laughs> चले भाई अब इसके बारे में बताएं प्यारे बच्चों बड़ों का अदब करना और उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी आदत है जो बच्चे अपने बड़ों का अदब नहीं करते उनका कहना नहीं मानते बेअदब कहलाते हैं क्या कहलाते हैं बेअदब बे वो बेअदब कहलाते हैं जो अपने बड़ों का अदब नहीं करते उनका एहतराम नहीं करते और लोग ऐसे बच्चों से प्यार नहीं करते लोग ऐसे बच्चों से प्यार नहीं करते जहाँ जाते हैं उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता तो प्यारे बच्चों हमें अच्छा बच्चा बनने के लिए अच्छी आदतें अपनानी होंगी अच्छा बच्चा बनना है तो अच्छी आदतें भी अपनानी होंगी बड़ों की बात माननी होगी और उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी तब हम अच्छे बच्चे बनेंगे अल्लाह पाक हमें इन दीन की प्यारी प्यारी बातों पर अमल करने की तौफीक का फरमाए आमीन जी तो क्या सुना हमने बड़ों का अदबे बड़ों का अदब और एम करना।, करना जो हमसे बड़े होते हैं उनका अदब करना चाहिए और उनका एहतराम, एहतराम, एहतराम करना, करना चाहिए।, चाहिए कैसे बस जब बड़े आए भाई हम आपका अदब करते हैं करते, ये बोल दें <laughs> काफी है उसके बाद फिर नाक में जो है वो दम कर दें जी उनको दबाना जी उनको दबाना उनको दबाना उनको क्यों दबाएंगे भाई उनको क्यों दबा रहे है कैसे दबाएंगे दबाएंगे भाई हाँ अब बोले पाओ दबाओ तो दबानी चाहिए चाहिए ना भाई अब्बू बोले पाओ दबाओ तो दबाने दब चाहिए ठीक है और हाथ मिलाएं सलाम करें वो जो बात कहें तवज्जो से सुने अब अबू कह रहे हैं फिर बच्चे पानी ला दो बच्चा ना दिख ही नहीं रहा वो भाग गया उधर उसका मैच निकल रहा था तो ऐसे नहीं, नहीं होना चाहिए और उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ नीची रखनी, रखनी चाहिए।, चाहिए उनकी बात माननी चाहिए ठीक है उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए उनके मतलब ऐसे के अंदाज होता है ना एक जो बेदबी का अंदाज जिसको कहते हैं जोर जोर से बोलना और अजीब अंदाज से उनके सामने करना बातें अब जब कोई बड़ों को देख ले तो अगर आप खेल ले कूद रहे हैं कुछ तो आप थोड़ा साइड में हो जाएं ठीक है यानी कि उनको वहाँ बैठे हुए आप उनके सर पर उधम मचा रहे हैं तो ये क्या है ये अदब नहीं, नहीं है।, है तो बड़ों का अदब करना चाहिए एहतराम करना चाहिए और फिर जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपका भी अदब करेंगे अगर आप ही अदब नहीं करेंगे तो फिर आगे भी सब यही सीखेंगे तो फिर आप भी जब बूढ़े हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे ऐसे ऐसे झुक जाएंगे तो फिर आपका कोई अदब नहीं करेगा आपने अदीस में क्या किया था कमा तीनों जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे तो अगर हम अदब करने वाले होंगे तो इनशाला हमारा भी अदब किया जाएगा वरना फिर क्या होगा हम जब बूढ़े हो गए यूं यू खड़े हुए कोई हमें पूछ ही नहीं रहा तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी तो चलेंगे आप नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इस्लामिक मेरा प्यारा दी, मेरा प्यारा दी, मेरा प्यारा दी। सेगमेंट है इस्लामिक हिस्ट्री बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग सेगमेंट हुआ करता है जिसमें हम इस्लामिक हिस्ट्री सुनते हैं बुज़ुर्गान दीन के वाक़ भी होते हैं साहबा इक्राम से मुल्लिक हिस्ट्री भी होती है और अम्बराम के वाक़ भी सुनते हैं आज एक नबी सलाम के मुतालिक हम सुनेंगे जो कि हैं हज़रत शुब्ल कौन है शुयब 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 जो बंदी चैनल पर देख रहे हैं हो सकता है उनमें से किसी का नाम हो शुएब है ना भाई शुएब होते किसी का दोस्त भी होगा तो शुएब ये एक अल्लाह पाक के नबी का नाम है उसी के नस्बत से जो है नॉर्मली बच्चों के नाम रखे जा रहे होते हैं शुएब तो शुएब अलैहि सलाम शुएब नाम होता है उसको शोभी शोभी भी बना देते हैं ऐसे भी कर रहे होते हैं खैर असल नाम क्या है शुएब तो शुएब अलैहि सलाम जो है ये भेजे गए थे एक शहर की तरफ जिसका नाम था मदियन क्या नाम था मदियन मदियन और उसी मदियन के पास एक जंगल था उसके जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनकी तरफ भी आपको भेजा गया था कि आप उनको गाइड करें उनको सही रास्ते पर चलाएं उनको दीन की दावत दें और जो अच्छे अमाल होते हैं वो करने का कहें तो किस तरफ आए थे हजरत शुब और हाँ और, और, जंगल और, में लोग रहते थे जाहिर है वैसे तो जंगल में जानवर रहते हैं वो सारे जानवर होते हैं लेकिन वो जंगल होगा जाहिर है उसके अंदर इंसान भी होंगे उसके आसपास के वहाँ रहने वाले तो आप उनकी तरफ आए थे उनकी गाइडेंस के लिए कि उन्हें अच्छी-अच्छी बातें, तो रही भाई। कौन सी जगह थी जंगल जंगल और ठीक है जी आप वहाँ आए थे और उनकी गाइडेंस के लिए अच्छा वो करते क्या थे एक तो वो मुसलमान नहीं थे वो लोग क्या नहीं थे मुसलमान हाँ उनका अकीदा दुरुस्त नहीं था और दूसरा जो है ना वो कम नापते थे कब तोलते थे क्या गुना करते थे कम तोलते थे हाँ कम नापना कम तोलना आप जैसे गए भाई चीनी दे दो एक किलो अब हमें कितनी चीनी देनी है एक किलो चीनी देनी है ना आप कैसे तोल रहे होते एक तो जो है वो डिजिटल किस्म के भी तराजू आ रहे होते और बास तराजू होते एक तरफ चीज रखी दूसरी तरफ क्या रखे चीनी. बाट चीनी रख दी इधर रखी है दूसरी तरफ क्या रखना है बाट बाट रखते हैं ना जो वजन तोल रहे होते हैं तो अब एक किलो देना है तो एक किलो का बाट होता है अब एक किलो का बाट रखा है लेकिन उसके साथ और भी कुछ रख दिया और बल्कि एक किलो का बाट नहीं रखा बल्कि कम रखा और इधर चीनी क्या होगी फिर एक किलो पूरी होगी कैसे होगी बाट हल्का वाला रखा है कम हो गई ना तो उसने एक किलो मांगी मारी मांगी थी हमने उसमें चीटिंग कर दी उसे पूरी एक किलो नहीं दी या वैसे तोली उसके बाद देते हुए छुपा के उसमें से कम कर ली तो ये क्या हो गया हमने कम तोला हमने कम तोला तो ये क्या है जायज़ नहीं है तो ये वो लोग करते थे ये कम तोलते थे इसी तरीके से लोगों को उनकी चीजें कम करके दे रहे हैं पूरी नहीं दे रहे अब कपड़ा देना है दस गज़ देना है तो गज़ कम नाप रहे कोई चीटिंग उसके अंदर कर ली तो इस तरह के काम उनके थे तो इन लोगों को हज़रत शेयब ने उनके समझाने की कोशिश की उनको इन कामों से रोकने की कोशिश की तो हज़रत शुएब उम ने अपनी कौम को नाप तोल में कमी करने और लोगों को उनकी चीज़ें कम करके देने से मना किया और मजीद अल्लाह पाक को मानने का हुम दिया लेकिन उन्होंने हज़रत शोब की बात नहीं, नहीं मानी आपकी वो नाफरमानी करने लगे बल्कि आप की बेदबी करते हुए कहने लगे ऐ शोएब हम आपको और आप पर ईमान लाने वालों को ज़रूर बस्ती से निकाल देंगे अपने एरिए से आपको निकाल देंगे जो आप हैं और आपकी जो बात मानने लगे उनको हम अपनी बस्ती से अपने एरिए से अपने शहर से निकाल देंगे क्यों जो अच्छी बातें कर रहा होता है उसको बोलते हैं बच्चे होते हैं बात शरारती किस्म के अब उसमें कोई हो उस जो समझाने वाला हो कि भाई ये नहीं करो तो वो जो दूसरे शरारती होते हैं उनको वो अच्छा नहीं लगता जाओ भाई तुम बड़े अच्छे हो तुम जाओ हमारे पास है तुम तुम नहीं खेलो हम नहीं खिला रहे तुम्हें तुम जाओ तुम बड़े शरीफ हो ना तो जाओ शरीफों में बैठो हमारे पास नहीं आओ तो ये लोग क्या थे ये बुरे काम कर रहे हैं अलैहिस्सलाम उन्हें समझा रहे तो ना कि समझे बल्कि उन्हीं को कह रहे हैं कि हम आपको और आपके मानने वालों को एरिए से निकाल, निकाल, देंगे। निकाल देंगे बस्ती से निकाल देंगे तो यानी वो लोग हजरत शोब अलैहिस्सलाम को डराने लगे कि हमने आपके कबीले की वजह से आपको कुछ नहीं कहा वरना तो आप कमज़ोर हैं आपका कबीला है तो उस वजह से हम आपको कुछ नहीं कह रहे वरना आप तो कमज़ोर हैं हम आपको बाहर निकाल दें और हज़रत शेब्लाम ने उनसे फ़रमाया तुम जो चाहे कर लो मुझे जो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है वो मैं करता रहूँगा तुम चाहे कुछ भी करो मुझे तो ये अल्लाह पाक ने कहा है कि मैं तुम लोगों को ये बातें समझाऊँ तो मैं तो तुम्हें समझाता रहूँगा चाहे तुम कुछ भी करते रहो और फिर फरमाया तुम्हें भी पता चल जाएगा कि अजाब किस पर आता है तुम्हें भी पता चल जाएगा कि अजाब किस पर आता है अभी तो अजाब अभी नहीं आ रहा लेकिन किसी वक्त भी अजाब तुम पर आ सकता है क्योंकि तुम्हारे काम अच्छे नहीं, नहीं हैं किसी को अच्छा लगेगा आप लेने गए थे जो है वो एक किलो गोश्त लेने गए थे और जब घर आके देखा तो तीन पाव निकल रहा एक पाव कम है तो गुस्सा आएगा ना बुरा लगेगा कि ये क्या हमसे पैसे पूरे ले लिए और चीज़ हमें पूरी नहीं नहीं।, दी तो आपने फरमाया कि तुम्हें पता चल जाएगा अजाब किस पर आता है जब वो लोग समझाने के बाद भी ना माने तो हज़रत शेयब ने दुआ की कि ए हमारे रब के ए हमारे रब, रब हम में और हमारी कौम में हक के साथ फैसला फरमा दे और तू सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है अब आपने दुआ कर दी कि अल्लाह हमारे दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दे कि आप जो ये बुरा काम करने वाले हैं इनके ऊपर तेरा अजाब आ जाए जब हजरत शेयब अल्लात वसलाम की कौम की गुमराही अपनी इंतहा को पहुँच गई और हर तरह समझाने अजाब इलाही से डराने के बावजूद भी ये लोग अपनी बुराइयों से बाज न आए तो उन पर अल्लाह का अजाब आ गया उन पर अल्लाह पाक का अजाब आ, अजाब आ गया और उन लोगों पर एक ख़तरनाक चीख और जल्जले का अजाब आ गया कौन सा अजब आया हाँ चीख समझते नहीं समझ चीख नहीं पता चीख कैसी होती है रैयान भाई चीख चीख कैसी होती है बच्चे नहीं चीखते कैसे चीखते हैं अभी चीख चलें शर्मा को चीखते हैं ना तो ये एक चीख़ थी बहुत तेज़ उसकी साउंड बहुत ज़्यादा थी और जलजला आ गया जलजिला तो पता ही होगा अर्थ कोई तो उसकी वजह से वो लोग मर गए और वो सब लोग हलाक और बर्बाद हो गए कोई चीखता तो नहीं कहते कान फाड़ोगे क्या हैं बच्चे चीख रहे होते तो वो थोड़ी सी चीख होती है बच्चों की ये बहुत बड़ी कोई चीख थी जिसकी वजह से वो लोग मर गए और उनके शानदार महल बड़े बड़े घर ऐसे हो गए जहाँ वहाँ जैसे वहां कोई रहता ही नहीं था वो बड़े बड़े घर बनाए हुए थे लेकिन जब जलजला आता है तो क्या होता है ना सारी चीजें टूट फूट जाती हैं गिर जाती हैं तो वो ऐसे हो गए जैसे वहां पर कोई रहता, रहता ही ना था फिर जब शुयब आसमाम के शुब्लम कौम की हलाकत के बाद उनके बेजान जिस्मों पर गुजरे तो आप सलाम ने उनसे फ़रमाया ऐ मेरी कौम बेशक मैंने तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुँचा दी अपने रब के पैगाम पहुँचा दिए और मैंने तुम्हारी खैर खाही की लेकिन तुम किसी तरह ईमान नहीं, नहीं लाए अब वो जब मुर्दे पड़े हुए थे तो आपने उनके पास जाकर कहा मैंने तो तुम्हें समझाया मगर तुमने बात नहीं मानी तो अगर वो लोग हजरत शुब्ब की बात मान लेते तो क्या होता हाँ ना आता ना 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 बच जाते वो इस सारे मामले से लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी इसी तरह ये तो एक कौम थी इसके अलावा एक शहर के लोग भी थे जिनको हज़रत शुब्लम ने गलत कामों से मना किया था वो कौन थे ये तो मदियन वाले थे दूसरे कौन थे हाँ जंगल वाले ना उस मदियन के पास जंगल था शहर के पास तो उधर भी लोग रहते थे आप उनको भी समझाते थे तो हज़रत शेयब उनने उनको भी समझाया ये लोग भी क्या करते थे नाप तोल में कमी करते थे नाप तोल में कमी करते, कमी थे।, करते थे लोगों को रास्ते में लूट लेते और खेतियाँ खराब कर देते थे अच्छा क्या कर रहे हैं रास्ते में जो जा रहे हैं ना उनको क्या कर रहे हैं लूट रहे हैं उनका माल छीन रहे हैं जैसे आजकल भी डाकू वगैरह होते तो इस तरह की हरकतें करते थे और लोगों की खेतियाँ भी खराब कर देते ये खेतियाँ क्या होती हैं भाई खेत 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 क्या होते हैं फसल क्या होती है <laughs> जी अब फंस गया है जमीन में बोई जाती है जी जमीन में बोई जाती है जमीन में बोई जाती है जमीन में तो बहुत कुछ बोया जाता भाई वो ये हम खाते ना आटा वगैरह ये सारी चावल तो ये जमीन होती है उसके अंदर ये सारे पौधे वगैरह लगाए जाते हैं जहाँ से फिर ये काट के लाते हैं फिर इसका प्रोसेस होता है और हम तक रेहान भाई आटा आ जाता है मजे से रोटी खा लेते हैं हम खाते हैं हाँ तो ये होती है फसलें लगती हैं खेतियाँ होती हैं फिर वहाँ से ये सारी चीज़ें आती है अगर वो खेत ही नहीं होंगे तो फिर खाना कहाँ से आएगा रोटी कहाँ से आएगी तो ये लोगों की खेती वगैरह और उनका खेत जो है वो ख़राब कर दिया करते थे तो उनको भी हजरत शुब उम ने इन कामों से क्या किया है न किया और फरमाया अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें और सबको पैदा किया ऐसी हरकतें ना करो लेकिन उन लोगों ने भी हज़रत शुएब शेयब की बात ना मानी, मानी बल्कि आप की बातों को उल्टा जवाब दिया कहने लगे आप पर तो किसी ने कोई जादू कर दिया है माजल्ला क्या कहने लगे उल्टी बातें या आप पर किसी ने जादू कर दिया है वो सीधी सीधी बात समझा रहे ये उल्टी फजूल बातें कर रहे हैं आप कोई फरिश्ते तो है नहीं बल्कि आप भी हमारी तरह इंसान हैं और आप भी हमारी तरह इंसान है आप नबी कैसे बन गए हम आपको नबी नहीं मानते और अगर आप सच में नबी हैं तो हम पर आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दें आसमान का को कोई पीस कोई टुकड़ा हम पर गिरा दें आप तो हमारी तरह ही हैं हम आपको नबी नहीं मान रहे उल्टी, उल्टी उल्टी उन्होंने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी तो जब उन्होंने अल्लाह पाक के नबी की क्या की है तो बेअदबी की ये बेअदबी की ना तो हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए और अल्लाह के नबी तो बहुत आलीशान होते वो तो बहुत अजीम हुआ करते तो उनकी जब बेदबी की तो अल्लाह पाक उनसे नाराज हुआ और अल्लाह पाक ने उन्हें सजा दी और अच्छा उन्हें सजा कैसे मिली अब ये सुनिएगा सजा ये मिली कि सात दिन तक बहुत ज्यादा गर्मी हो गई सेवन डेज तक बहुत ज्यादा गर्मी हो गई अब जब गर्मी हो जाती है तो हम क्या चाहते हैं गर्मियाँ होती हैं क्या हो फिर ठंडक कैसे आए बारिश हो जाए हैं बादल आ जाएं ये दुआ और ये होती है अभी तो खैर ठंडक का खुद ही मौसम आ गया है लेकिन जब गर्मी बढ़ जाए तो यही दिल चाह रहा होता है बस किसी तरह बारिश आ जाए अब ये क्या हुआ सात दिन तक बड़ी गर्मी हो गई इतनी गर्मी कि उनके बदल बदन जो थे जिसम जलने लगे और वो इस गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में साय में चले गए और अपने ऊपर पानी भी डालते घरों में जाके नहाते ना हम लोग भी ज़्यादा गर्मी हो तो बार बार नहा होते हैं लेकिन उन्हें किसी सूरत भी सुकून नहीं मिल रहा इतनी ज़्यादा वो गर्मी थी तो क्या हुआ फिर जब कई दिन इस तरह गुजर गए तो एक बहुत बड़ा बादल आ गया एक बहुत बड़ा बादल आ गया अब जब बादल आते तो सब खुश हो जाते अब बारिश हो अब बारिश बारिश होगी होगी तो वहां भी बादल आ गया जो उनकी पूरी बस्ती पे छा गया अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी चलना शुरू हो गई उन्होंने कहा अब आएगी बारिश क्या आएगी बारिश आज सब मजे आएंगे तो सब लोग अपने घरों से निकल कर उसके नीचे आकर जमा हो गए तैयार हो गए ना पहले से क्या अब बारिश आने वाली है तो जब सब लोग उसके नीचे आ गए तो अलमान हफीज उस बादल से पानी नहीं बरसा बल्कि आग बरसता शुरू हो गई वैसे ही गर्मी थी और वैसे हवा लगी चली बादल भी आया लेकिन उस बादल से बारिश नहीं आई बल्कि आग निकलना शुरू हो गई और सब के सब जलकर राख राग का ढेर बन गए तो ये उन पर अजाब आया तो जो अल्लाह पाक के नबियों की बेदबी करते हैं उनकी बात नहीं मानते तो फिर उन्हें डर जाना चाहिए कि वो सख्त जो है वो अजाब का शिकार भी हो सकते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं उनकी फरमा करें उन्होंने जो अच्छी बातें हमें बताई हैं उन पर अमल करें जी इन प्यारी प्यारी बातों पर अमल करने की तोफी फरमाए